السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. मैं आलिया तबस्सुम आप सबका अलरुजा एकेडमी की तरफ से इस्तेमाल करती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी बहने अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने हम सबको यहाँ पे एक खास मकसद से जमा किया है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुबारक और बहुत ही खूबसूरत मकसद से हम यहाँ जमा हुए हैं. अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इस काम में बरकत अता करे, इसको कबूल मंजूर फरमाए और हमारे लिए आसानी अता फरमाए. तो सबसे पहले इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम सॉरी इस एग्जाम का पैटर्न हम आपको दिखा देंगे कि आपको क्या करना है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आपसे क्या सवाल किए जाएंगे. तो आपको एक पेज पे कुछ आयतें दिखाई देंगी, वो आयतें होंगी 2 से 3 या फिर एक भी हो सकती हैं. तो वो आयतें आपको पढ़नी है. आपकी जो टीचर्स है, तीनों टीचर्स मौजूद है यहाँ पर, उस्ताजा तंजीमा और उस्ताजा माजिदा और उस्ताजा सना फातिमा. तो ये तीनों टीचर्स आपके इस रिसाइटेशन का एवेल्युएशन करेंगे, यानी वो देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से तजवीद से इस आयत को पढ़ा है. उसके बाद तीनों टीचर्स आपसे उन्हीं आयतों में, वो आयत एक भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है या 3 भी हो सकती है, तो उन आयतों में कौन से कवायद आए हैं वो पूछेंगे. चाहे वो आपको पूरे कवायद पूछे या फिर सिर्फ एक कवायद पूछे, और फिर आपको शायद एक्सप्लेनेशन भी पूछेंगे. वो टीचर पे डिपेंड करता है. तो आपको ये करना है कि आप अच्छे से तजवीद के साथ रिसाइट करें और अपने टीचर्स के सवाल के जवाब दें. जैसे ही आप रिसाइट करते रहेंगे और सवाल के जवाब देते रहेंगे, आपके टीचर्स आपके मार्क्स एवेल्युएट करते रहेंगे. ठीक है, तो मेरी गुजारिश है आप सभी से कि इस एग्जाम में शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी यानी उन लोगों को भी एनकरेजमेंट हो, एक दूसरे को देखकर हिम्मत अफजाई मिलती है. तो जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो आप लीव ना करें और हमारे साथ आखिर तक बने रहिए. तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे जा रहे हैं अभी, है ना. अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. मेरा फोन खराब हुआ है, नहीं आ रहा. मैं बेटी के फोन में बैठी हुई हूँ उनके बाजू. जी जरूर, कोई मुश्किल नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम सब की मदद फरमाए, हम सब के लिए इस काम को आखिरत का बाइस बना दे. चलिए तो हम शुरू करते हैं उस्ताजा तंजीमा साहिबा की किरत से. तो आप सब लोग अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए और ध्यान से उनकी किरत सुनिएगा. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي يدخل لي مدخل صدق وخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جزاك الله خير. الحمد لله جزاكم الله خيرا كثيرا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سیریل وائز جائیں گے. جو بھی اسٹوڈینٹس ہمیں سیریل وائز دکھائی دے رہے ہیں جن کے بھی نام, اسی طرح سے ہم لوگ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس اسٹوڈینٹ ہیں عائشہ اور خدیجہ. تو پہلے ہم عائشہ سے شروع کرتے ہیں. جی ہاں شبانہ بیگم, آج ہی ایگزام ہوگا. آپ کا جو کوشچن تھا میں نے آنسر کیا ہے. تو عائشہ آپ اپنا مائک میوٹ انمیوٹ کریے اور اس آیت کی تلاوت کیجیے. عائشہ آپ سن رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك بعده زكريا. ماشاء اللہ. تو ٹیچرز ایک ایک کر کے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں ان سے. ٹیچرز سوالات پوچھنے کی ترتیب اس طرح رہے گی کہ پہلے تنظیمہ ٹیوٹر پوچھیں گے, پھر ماجدہ ٹیوٹر, پھر ثنا فاطمہ. انشاءاللہ جو پہلی آیت ہے
वो किस कायदे से ताल्लुक रखती है? जी वो हुर्फ़े मुकत्तात है जिसका जिसे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को इसका मीनिंग पता होता है। जी और इसका माना क्या होता है? मैम जी समझ में नहीं आया। मुकत्तआत का माना क्या होता है पूछ रहे हैं। नहीं पता मैम जी कोई बात। और इसे कैसे पढ़ते हैं? मिलाकर जी मिलाकर पढ़ेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है टीचर माजिदा तबसम आप सवाल कर सकते हैं। हुरूफ़े मुख़त्तात को किस तरह पढ़ा जाता है पूछ रहा आयशा। जी मिलाकर पढ़ा जाता है। अलग अलग नहीं पढ़े अब आप उसको पूरा हरकत वगैरह लगा के पढ़े क्या? अच्छा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आयत में कौन से कायदे हैं बताइए कौन से कायदे आए इसमें आयत नंबर 2 में। जी पहले साकिन फिर हरकत जी फिर तजदीद फिर कलकला और कौन जी फिर और क्या है इसमें और वाव मद अच्छी बात है ठीक है जी ठीक है जज़ाकअल्लाह खैर। सनाब आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा इस आयत में आयत नंबर 2 जो अभी आप पढ़े इसमें हर्फ खलकला कौन से हैं कौन कौन से हुरूफ खलकला आए हैं? बा और सिर्फ बा उतना ही आए। अच्छा जी अच्छा ठीक है और यहाँ पर हर्फ मद कौन सा है हर्फ मद कहाँ पर है इस आयत में? ये अब्दहू हाँ पे उल्टा पेश है। उल्टा पेश तो हर्फ मद नहीं है कहीं भी लिखा हुआ। ये आखिर में ज़करिया। अच्छा जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब चलते हैं खदीजा की तरफ। खदीजा आप टीम सी से हैं? जी मैम। जी तो ये है आपकी आयतें जो कि आपको पढ़नी है। आपको दिख रही स्क्रीन पे? जी मैम। एक मिनट जी पढ़िएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربه نداء خفيا آگے بھی
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. جي تنزيمة آپ سوال کر سکتے ہیں. ان دونوں آیتوں میں مد متصل کہاں ہو رہا ہے بتائیے. فرسٹ آیت میں مد متصل ندا ان میں ہو رہا ہے. ڈیفینیشن بتائیے مد متصل کو. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. جی بارک اللہ. آگے مجدہ جی پوچھیں. جی آپ اخفا کہاں پہ ہے ختیجہ؟ اس سیکنڈ آیت میں اخفا کہاں ہو رہا؟ سیکنڈ آیت میں جی انزلا. پھر سے پڑھ کے بتائیے. انزلا جی. اور کون سا قاعدہ ہے اس میں سیکنڈ آیت میں؟ خلقلہ ہے. جی سکون ہے تشدید ہے. حرف مدہ کہاں ہے؟ حرف مدہ اعلیٰ میں ہے حرف مدہ. جی الحمدللہ. ثنا آپ پوچھیے. جی خدیجہ پہلی جی. اور دوسری آیت میں آخر میں خوفیہ عوجہ اس طرح پڑھے نا آپ. حالانکہ دونوں پر بھی دو زبر ہے. دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. پھر تنوین کا تلفظ کیوں نہیں کیا؟ کون سا قاعدہ ہے یہاں پر؟ خفیین عوجن ایسے کیوں نہیں پڑھے؟ یہاں پر وقف کرنا ہے. کیسے وقف کیا آپ بتائیے. کیا قاعدہ ہے دو زبر پر وقف کرنے کا؟ جب دو زبر پر وقف کرنا ہو تو جی جی ٹھیک ہے بازی ہو گیا. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹوڈینٹ ہے آمینہ بیگم. آمینہ بیگم آپ کون سی ٹیم سے ہیں بتائیں اور یہ آیت جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ پڑھیں. آمینہ بیگم شاید لیو ہو گئے ہیں. عائشہ تبسم آپ اس آیت کو پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أخذن مني أشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. आवाज सुनाई नहीं थी, फिर एक मरतबा पड़ी है जी, आवाज तबन सारा दोबारा पड़ी है जी। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اس آیت میں تنوین نون ساکن کا کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی اقلاب جی کلاب اور تنوین جی تنوین تنوین اور ساکن کا کون سا اور کون سا فائدہ ہو رہا ہے کلاب کے علاوہ؟ اظہار نہیں تو قال ربني وهن العظم أقم بدعائك إذا إقلاب شيبا إخفاء جی یہ زبان کی جڑ کی نرم حصے سے صاف ہو جاتا ہے جی. میں نے کہا تھا قاف کا مخرج بتائیے. قاف کا جی قاف جی منہ کے جان قاف کے مطلب حروف لحاظ میں آتا ہے اور زبان کی جڑ کی نرم حصے سے زبان جی نرم سے پرناؤنس کرتے نرمی سے ادا ہوتا ہے جی. میم میں پوچھوں جی جی سنا پوچھو جی جی وہن العظم واشتعل الرأس میں کون سا فائدہ ہو رہا ہے بتائیے؟ وہن العظم واشتعل الرأس میں حروف قمری الف
حروف تنوین ہیں، نون کے بعد الف نہیں پڑھا جائے. منی میں واشتعل الرأس میں واشتعل الرأس، یہاں پر بھی حروف تنوین ہیں، یہاں پر حروف واشتعل الرأس الف اور لام نہیں، باقی وہ حروف شمس ہیں. کیسے بتائیے، کیسے پہچان رہے آپ؟ حروف علیف لام جو حروف قمری کے شروع میں ہوگا تو اس کو علیف نہیں پڑھا جائے. یہاں پر کون سا حرف حروف قمری میں سے ہے؟ وہن العظم میں کون سا حرف ہے حروف قمری میں سے؟ جی علیف ادا نہیں ہوگا. میرا سوال غور سے سنیے آپ، میں پوچھ رہی ہوں یہاں پر کون سا حرف حروف قمری میں سے ہے؟ اچھا اس میں تو نہیں، سوری یہ ہے پشتا الف لام را ہے اس حروف شمسی میں. پشتا الرا اس میں حروف شمسی را ہے اس میں. جی ٹھیک ہے، نیکسٹ. بس اسٹوڈنٹ میناز فاطمہ. جی میم. آپ ٹیم ایک ہیں؟ یس میم، ٹیم ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت رأتي آخرا فحب لي من لدنك وليا. جی مت کے کون سے فوائد ہو رہے ہیں ساتھ میں؟ مد اصلی اور پورا قاعدہ میم، یا پھر اس آیت میں؟ اسی آیت میں ہم مد کے فوائد نہیں پوچھ رہے آپ کو، مد کے جو جتنے قاعدے آپ پڑھ چکے ہیں ان قواعد میں سے کون سا قاعدہ اس آیت میں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ مد متصل ورائی میں ہو رہا، حمزہ اسی کلمے میں ہے. جی اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بتائیے. یعنی چیز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے بتائیے، اگر ہو رہا ہے تو کہاں ہو رہا ہے وہ بتائیے. مد متصل ہی ہے میم. جی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے؟ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے تو نہیں ہے بولیے، اگر دکھ رہا ہے تو ہے بولیے، جلدی کیجیے.
तस्मीनाज नहीं मैम हो रहा मैम उर्फे मद्दा के मैं पूछूं तंजीम जी पूछ लीजिए पूछिए हाँ मेहनास आप इसमें तनवीर और नूने साकिन के कितने कायदे हो रहे हैं बोलो माँ तनवीर और नूने साकिन के बाद थोड़ा जोर से बोलो बेटा अच्छा यहाँ पे म्यू म्यू वरा यार याऊं जी जी बोलो कायदे का नाम बोलो बेटा कौन सा कायदा है ये तन्वीन और नूने साकिन का आप इसमें आप तो माल गुन्ना और या फिर ईदगाह में नाफिस दो भी से जी और के बाद और यहाँ पे मिल लदूं का में ईदगाह में बिला गुन्ना हो रहा जी और कोई फायदा है तनवीन और नूने साकिन का नहीं। अच्छा सना आप पूछो जी यहाँ पर फायदा बताइए कानन तिमराती आकिरों फहबली आकिरों पर आकिरों हरकत फिर यहाँ पे हुर्फे इख्फा कैसे कायदा बताइए पूरा बताइए कहाँ पर है हुर्फे इख्फा कैसे बोल रहे आप यहाँ पर इख्फा हो रहा के बाद हुर्फे इख्फा में से फा आया तो इसलिए हुर्फे इख्फा अच्छा हुर्फे हलकी कौन कौन से है बोलिए हुर्फे हलकी حروف حلقی کون کون سے ہیں حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین ہا جی نیکسٹ ہو گیا میم نمبر ہے آلیا کی باری ہے 931 असदुल्ला ये आपका नाम बताएं अगर आप हमें सुन रहे हो क्या ये खदीरा बेगम है या फिर कोई और हारिसा है शायद हारिसा नहीं नहीं पूछ लीजिए नहीं नहीं मैम हाँ। नाम पे है ठीक है चलते हैं फातिमा जबीन की तरफ अल्लाह बरकातुहु मैं खजीरा बेगम
जी 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 अब कौन है? खदीरा बेगम है, फातिमा जबीन है, कौन है? जी खदीरा बेगम पढ़ लीजिए आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يارسوا من آل يعقوب واجعله ربي رزيا ربي رزي رزي. ये दूसरी आयत भी पढ़िए। या जकरिया इन्ना नुबशिरुका बिगुलामी निस्मुहु यहिया लम नजअल लहू मिन खब्लु समीया। कौन सी आयत पढ़ रहे हैं आप? कहाँ पढ़ रहे हैं खदीरा बेगम? आप अपने कुरान में से मत देखिए, यहाँ स्क्रीन पे देख के पढ़िए। मुमताज जरा बताओ अम्मी को। यारिसुनी يارسو من آل يعقوب واجعله ربي رزيا ما كنا فيه أبدا खलखला कहाँ हो रहा है बताइए। खदीरा बेगम आप ये आयत में खलखला कहाँ है बताइए, पूछ रहे हैं बाजी आपसे। अब हाँ जी जी अबदा हाँ इसमें अच्छा खलखला अबदा रजिया में है ना? नहीं है। वज अलहु खलखला रब्बी रजिया। जी माजिदा जी आप कुछ। खदीरा बेगम आप तशदीद के बारे में क्या जानते हैं बोलिए? तशदीद जी तशदीद किसे कहते हैं? तशदीद जी उसके बारे में पहले हुरूफ मिलाना उसमें तशदीद में, फिर रजिया बोले तो इसमें मत देखिए। नहीं नहीं मैं आपको जनरल पूछ रही हूँ, तशदीद के बारे में आप जो भी जानते बोलिए। बोल रही हूँ ये आयत में नहीं बता रही हूँ मैं, कहाँ है तशदीद बताओ नहीं बोली भाई। आप तशदीद के बारे में क्या जानते हैं वो बोलिए, यानी उसकी कितने पॉइंट्स है, तजदीद को किस तरह पढ़ा जाता है, कितने बार पढ़ा जाता है वो बोलिए। दो बार जी। और तजदीद की आवाज में अच्छा हरकत को जल्दी पढ़ते हैं या जल्दी पढ़ते हैं हरकत जल्दी पढ़ते हैं जी। तो आपने उसका ख्याल रखा फिर इस आयत में? अच्छा ठीक है। नहीं अच्छा या बोली ना यारी सुनी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी गलती पहचानना बहुत अच्छी बात है। सना आप आगे पूछिए। सना जी इस आयत में हुरूफ मुस्तालिया कौन कौन से आए हैं? हुरूफ मुस्तालिया कौन कौन से हैं इस आयत में? इस आयत में जी खाफ बा जी और
जीम और ज़ाद। अच्छा, नीचे की आयत में भी है? नीचे की आयत में नहीं, नहीं। जी, ज़ाद का मखरज बताइए। ज़ाद का जी, ज़ाद का मखरज बताइए। ज़ाद का मखरज ज़ाद ज़बान बाएं तरफ के पांच दाड़ों से करवट होके लगे तो ज़ाद अदा होता है। जी माशाल्लाह। नेक्स्ट आप कौन सी टीम से हैं? सी टीम सी से हूँ मैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا इजहार के कवायद बताइए और यहाँ पर इजहार कहाँ हो रहा है वो भी बताइए। अच्छा, इजहार माने जाहिर करना। जी उसका फायदा पूछ रहे हैं। जी एक मिनट में। तनवीन या नूने साकिन के बाद हुर्फे हलकी आए तो इजहार होगा मैम, और इसको जाहिर करके पढ़ेंगे। जी इस आयत में कहाँ हो रहा है अगर हो रहा है तो? लास्ट में मिन मिन के नाम नूने साकिन के बाद खा आया। इजहार होगा? जी मैम। नूने साकिन के पास अफ है, वो खा नहीं है शायद। ठीक है आगे सिस माजिदा। हाँ मेरा भी यही सवाल है, ये कौन सा कायदा है फातिमा जबीन? नूने साकिन के बाद ऑफ है ना, वो खा नहीं है, ऑफ इख्फा है वो, तो फिर आप इजहार क्यों बोल रहे हैं? टेंशन हो रही है। नहीं कोई घबराहट नहीं है, सिर्फ जो है आराम से बोलिए, डरिए मत। कौन सा है कायदा ये? इख्फा। जी इख्फा। ये वक्फ के कायदों में लाम बीच में आ रहा ना, तो क्या है इसका मतलब? आयत के बीच में लाम अलिफ आया ना। जी मतलब है कंटिन्यू हो सकते मैम, हो सकते कंपलसरी कंटिन्यू होना है मैम। जी चलिए सना आप पूछिए। लम नजअल लहू में कौन सा फायदा हो रहा? लम नजअल में खलखला हो रहा मैम। अच्छा। और मीम साकिन भी है तो इजहारे शफवी हो रहा। कैसे?
मीम साकिन के बाद कोई अलग कोई दूसरा हर्फ आ गए तो इजहारे शफवी होगा वो, कोई भी दूसरा हर्फ बा मीम के अलावा और दूसरा कोई भी हर्फ आए। अच्छा, और नजअल लहू पे अल लहू जीम पर अल लहू जीम पर खलखला है जी, और लाम पर तशदीद है। अच्छा, यहाँ पर बताइए या जकरी या इन्ना, हाँ दिख रहा ना, या ना, या पर भी तशदीद है और इन्ना में नून पर भी तशदीद है, दोनों जगह हरफे मद आया या के बाद और नून के बाद, तो या जकरी या को जल्दी पढ़ दिए और इन्ना पे देर लगाए क्यों, हालांकि दोनों पर भी तशदीद है, फिर तलफ्फुज अलग अलग क्यों हो रहा दोनों का। मध्य मुनफसिल है ना मैम, मैं मध्य के बारे में सवाल किया आपसे या तशदीद के बारे में जी, वो बीच में हमजा हमजा है ना, एक हर्फ के बाद दूसरा हर्फ साथिश नहीं है ना मैम, तो क्या क्या बोलते हमजा है ना बीच में। अच्छा ठीक है, अगर साथ है तो तशदीद माया तशदीद होगा। अच्छा जी मैम, नेक्स्ट पूछ लीजिए। वारिसा सुल्तान जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال رب أن يقول لي غلام وكانت امرأتي عقيرا وقد بلغت من الكبر عتيا. حروف مدہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں، ان کو کس طرح پڑھیں گے بتائیے، और यहाँ पर रुफे मद्दा कहाँ कहाँ हो रहा है वो भी बताइए। पहले यहाँ कॉफ में हो रहा है अलिफ मद्दा, वो मद्दा हो रहा है यकूनु में, वो मद्दा हो रहा है यहाँ पे, या मद्दा हो रहा है लाम यहाँ पे ली में, या कॉफ कॉफ के बाद अलिफ है ना, अलिफ अलिफ मद्दा हो रहा है यहाँ पे कानती में, अति अति में या मद्दा है, ता के बाद अलीफ में कानती अलीफ मद्दा है कानती जी, आगे बढ़िए। अति में या के बाद है या मद्दा है, आ में आइन में आइन के बाद है अलिफ मद्दा, उसके बाद रा के बाद है अलिफ मद्दा, के बाद अकीरा अकीरो में तन्वीन का है। आप बोल रहे हैं खवायद अप्लाई कर रहे हैं, बस यही है मैं
लास्ट में वक्त के साथ एक अलिफ के बराबर खींच भी पड़ते हैं इसके मदद से। माजिदा आप पूछिए। हारिसा, जैसे आपने अब कवायद बताए हैं ना, उस हिसाब से फिर से तिलावत करिए, कहाँ मद्दा हो रहा, कहाँ पर क्या हरकत है, उसका लिहाज करते हुए गुन्ना कहाँ है, फिर से एक बार तिलावत फरमाइए। رأتي عاقرا عاقرا وقد بلغت من القبر عتيا. غلاموں کے بعد کیا پڑھے آپ؟ موکو کیسا ملا ہے؟ غلام اور خلخلہ کہاں پہ ہے؟ या कद में है मैम, नीचे के लाइन में कद और कद। जी ठीक है सना, आप पढ़िए, पूछिए। सॉरी जी। हारिसा आप बताइए, ऐसे कितने हुरूफ हैं हुरूफ हिज्जा में से जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं? ऐसे कितने हुरूफ हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं? अच्छा, कभी मोटे और कभी पुर और करबारी, लाम रॉ जी अलीफ रहम। अच्छा, इस आयत में रॉ आया है ना, दो जगह पर रॉ आया है, देखिए तीन जगह पर आया है। नहीं नहीं रब्बी लानतिम रोअती हाकिरन और किबरी, इन चारों जगह में रॉ कैसे पढ़ा जाएगा बताइए आप। रब्बी में पहली आयत में दो जगह है, रब्बी का नतिम रोअती आखिरन मिल्की बरी, चारों जगह अलग अलग बताइए जी। रब्बी में रा पुर पढ़ा जाएगा मैम, रोअती में रा पुर पढ़ा जाएगा। क्यों, इन दोनों जगह क्यों पुर पढ़ेंगे? तो जबर है ना मैम, दोनों के ऊपर जबर है तो पुर पढ़ा जाए। अच्छा, आखिरन यहाँ पर भी पूरी ही पड़ा जाएगा मैम, दो जबर जी। नेक्स्ट मिनल की बार री, यहाँ पे बारीक पड़ा जाएगा। क्यों, जेर है ना मैम, तो जेर को बारीक पड़ा जाएगा, जबर में मोटा पड़ा जाएगा, जेर में बारीक बारी पड़ेगा जी। और कब मोटा पड़ेगा रॉ? रॉ अगर रा के ऊपर साकिन होकर बाजू में जबर हो तो पुर पड़ा जाएगा, पेश हो तो पुर पड़ा जाएगा। सिर्फ जबर हो तो नहीं, पेश हो तो भी मैम, दो पेश दो जबर, पेश हो तो भी पुर पड़ा जाएगा। और मखरज बताइए रॉ का। रॉ का जबान के नोक और पुस्ट, जबान की नोक और पुस्ट ऊपर के दो दांतों, ऊपर के दो दांतों के जड़ को लगने से आधा होता, मसूड़ों को लगाने से आधा होता है वो। जी ठीक है, नेक्स्ट पूछ लीजिए। बच्चे हसीना जी मैम, टीम सी सलाम जी मैम जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Second, ma'am. قال فذلك. قال كذلك قال ربك هو علي ما أمتر تفتي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذلك قال ربك هو علي هو سوري هل علي علي मैम स्क्रीन जी मैम नहीं दिख रहा था क्या? नहीं 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 अब दिख रहा मैम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربك هو خلقتك من قبل ولم تكن شيئا खलखला कहाँ हो रहा है बताइए. खलखला मैम जी रूपे खला कितने हैं और इस आयत में कहाँ कहाँ खलखला हो रहा है और खलखला की कितनी किस्में हो रही हैं? जी मैम रूपे खलखला पांच है मैम. कुतुबुद्दीन इसमें दाल है मैम एक है मैम दाल है मैम बस मैम और दाल मैम बस दाल खफ है मैम जी दाल रब्बुका में कौन सा खलखला हो रहा है? रब्बुका में बा है मैम. खलखला बोल तो खलखला जो खलखला के हरफ पर सॉरी हर पर साकिन रहे तो खलखला होगा मैम. रब्बुका में खलखला नहीं हो रहा. नहीं नहीं रब्बुका में हो रहा मैम. खलखला हो रहा मैम. अकबर हो रहा मैम. खलखला अकबर हो रहा है रब्बुका मैम. स्ट्रॉन्गेस्ट होता बोल के अकबर. आगे माजिदा बाजी पूछिए. ये खलखला अकबर किसे कहते हैं? ओ सॉरी मैम लास्ट में आया था अकबर बोलते हैं मैम. ऐसा डबल आता ना बा साकिन और बा जबर के बाद ऐसा आया था इसको कुबरा सुबरा बोलते हैं मैम. खलखला या सुबरा. अच्छा आप पहले घबराइए जी मैम. कुछ भी आप परेशान होने की बात नहीं है जी मैम. शीन का मखरज बताइए. शीन शीन जी मैम. शीन जबान के किनारा और ऊपर के और नीचे के दोनों दांतों से अदा होता है मैम. शीन नहीं नहीं ऊपर के जेड से लगता है लगने से आलू से लगने से अदा होता है मैम. शीन जबान का दरमियानी वाला हिस्सा जी मैम. ऊपर के शीन या जीम मैम. जीम घबराना नहीं ठीक है. सना आप पूछो जी. हसीना पूरे तजवीद के कवायद में तनवीन और नुने साकिन के कितने कायदे मालूम है आपको? तनवीन और नुने साकिन के कितने कवायद आए हैं? तनवीन और नुने साकिन के चार हैं मैम.
कौन कौन से? जी मैम, इजहार, इख्फा, इजहार और इखलाब और इदगाम यरमलून मैम। जी जी ठीक जी। नेक्स्ट काशिया सदफ। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। कौन सी टीम से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीम ए मैम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال ليال سوية यहाँ गुन्ना कहाँ रहा है शायद मैं बताई गुन्ना कहाँ कहाँ हो रहा है। जी मैम तू कल्ली मन नासी में नून पे तशदीद है तो वहाँ गुन्ना हो रहा है। कहीं और नहीं हो रहा इसके अलावा? नहीं मैम। सादल और वा का मखरज बताइए। सादल और वा जुबान की नोक ऊपर और नीचे दांतों के किनारों को लगने से अदा होते हैं। जी माजिदाबा जी सॉरी इस आयत में हुरूफ मद्दा कितने हैं? जी मैम कौला यहाँ पर एक है। जी आयत यहाँ पर एक है। आयतु का यहाँ पर एक है। तू कल्ली मन्नासी सलासा। जी हो गए। जी मैम जी मैम लयालिन में नहीं है मैम लयालिन में भी है। और वजअली रब्बिजअली में रब्बिजअली या मद्दा है मैम। जी ठीक सना आप पूछिए। जी आए पढ़िए आप स्टार्टिंग से बीच में त्वा है ना छोटा सा लिखा हुआ। जी वहां तक पढ़िए आयत पढ़िए वहां तक। قال رب اجعل لي آية वहां पर कैसे वक्फ करेंगे मैम? तनवीन को सिर्फ एक जबर करके पढ़ना है। अच्छा लेकिन वहां पर तो गोल ता है ना? जी मैम वहां ता है तो ठहरना जरूरी है लाजिमन है। यही फायदा है। जी मैम अगर मैं उसको ऐसा पढ़ू रब्बी जुअल्ली आया आया तो गलत होगा? नहीं मैम वो भी करेक्ट है। ये भी करेक्ट है वो भी करेक्ट है दो तरीकों से पढ़ सकते। नहीं मैम ताए तो हरकत वगैरह कुछ नहीं करना आया वैसे ही पढ़ना। अभी आप क्या बोले? जी मैं गलत पढ़ी थी आया। अच्छा यहाँ पर छोटा सा तो लिखा हुआ है ना उसका क्या मतलब है? वहां पर ठहरना जरूरी है। तो का डेफिनेशन क्या है कौन सी अलामत है? तो अलामत वक्फ है
और अगर तो आयत के बीच में है तो वहां पर रहना जरूरी है। जी बाजी नेक्स्ट क्वेश्चन। मसर्रत उन्निसा टीम ए पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई चेंज करना है। रब्बी जिअल। यस मैम। आलिया यही चाहत रख रही जी। एक मिनट। जी जी एक मिनट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. حروف حلقی کتنے ہیں اور اس میں سے حروف حلقی کہاں کہاں ہیں بتائیے۔ صرف حروف حلقی پوچھ رہے ہیں، اظہار نہیں۔ حلق سے درمیان انہیں حمزہ عین ہا غین خا چھ ہے۔ आइन यहाँ पर आला के पास आइन है। खरज निकल था जी बाजी। عين حرف حلقي، ها حرف حلقي، اب اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے جہاں جہاں آپ بولے تھے حرف حلقی ہے، کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ آگے پڑھیے۔ فخرج على قومه أو محي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
जी आगे माजिदा जी जी मसरत इसमें हर्फ लीन कहाँ कहाँ है बताइए जी कौमी ही में बहुत साकिन के बाद जबर है बाद पहले नहीं वाव साकिन से पहले जबर जी ठीक है माशाल्लाह और कहाँ है यहाँ पर फाओ में वाव साकिन से पहले जबर है आओ जी और यहाँ इला इहिम में या साकिन से पहले जबर है जी ठीक और कहीं पे है जी नहीं है सब हो में भी है ना सब भी हो नो मैम क्या है वो फिर हाँ सही पहचान माशाल्लाह जी सना आप पूछिए यहाँ पर कायदा बताइए वाशिया में कौन सा कायदा हो रहा बुकरातों हरकत जदन सुगुन हरकत तनवीन किया था वाओ है तो मालूना वाव कौन से हरूफ में से है तनवीन के बाद वाव कौन से हरूफ में से है यरमलून में ठीक है जी ठीक है मैम आगे पूछिए नेक्स्ट नेक्स्ट मेहरा जुन्निसा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji padhiye aap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا سورة أنزلناهما وفرضناها وأنزلنا فيها آية وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون दुआद और स्वाद का मखरज बोलिए
दौत का मैम, जुबान की करवट ऊपर या नीचे लेफ्ट या राइट पांच दांतों को लगने से अदा होता है। और सौत का मैम, जी जी, जुबान की नोक नीचे के दांतों को अंदरूनी हिस्से को लगने लगे और जुबान का दरमियानी हिस्सा तालू को लगने से अदा होता है। तन्वीन और नसाकिन के बाद अगर लाम आए तो मालगुना या फिर बिलागुना? बिलागुना ईदगाह में कामिल। जी माजिदा बाजी पूछो। जी मेरा जो निशा, रस्मुल खत किसे कहते हैं? रस्मुल खत, रस्मुल खत जी, लिखने का तरीके को कहते हैं रस्मुल खत। जी माशाल्लाह, तो उसको किस तरह पढ़ेंगे? अगर जल्दी पढ़ेंगे हरकत, अगर अलिफ मद है तो हरकत वैसे जल्दी पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर है रस्मुल खत इस आयत में, इन दो आयतों में कहीं रस्मुल खत का निशान है, मतलब है क्या पूछ रही हूँ? नहीं है मैम। क्या यहया में कैसा पढ़ रहे हैं? या दो या है ना, तो आप एक ही या पढ़ रहे हैं ना? यस सना आप पूछो। जी नीचे की आयत में मैंने दो जगह अंडरलाइन किया है ना, सो अतुन अंजलना तय्यिनातिन लकुम, इन दोनों जगह में कवायद बयान कीजिए। सो अतुन अंजलना तय्यिनातिन लकुम, अच्छा, मद्दा हरकात इज़हार और इख़्फ़ा हरकात, लाम पर जज़्म सुकून, खड़ा जबर अलिफ मद्दा, खाली जबर हा अलिफ मद्दा, नीचे हरकत तजदीद, खड़ा जबर, यहाँ पर लाम है तो इदगाम अमिल तजदीद हरकत तजदीद। इदगाम कामिल कैसे बोल रहे हैं आप? तनवीन के बाद लाम है तो इदगाम कामिल है, इदगाम कामिल तनवीन के बाद अगर लाम आए तो इदगाम कामिल है। इदगाम मतलब क्या है? इदगाम किसे कहते हैं? मिलाना। अच्छा नेक्स्ट तजदीद लाम पर हरकत तजदीद हरकत, नहीं बस ठीक है बस, नेक्स्ट पूछिए। आमीना बेगम, टीम ए, है हमारे साथ आमिना बेगम? अस्सलाम वालेकुम माजी,
बाजू मेरी आवाज आ रही है। بسم الله الرحمن الرحيم وهنانا من لدنا وزكا وكان تقيا ويزر الذين قالوا تقضى الله ولدا इख्फा बताइए यहाँ पर इख्फा कहाँ हो रहा है? जाल के बाद जाल कन मैम नून साकिन के बाद जाल है। वायु 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 नून से बना वायु जीरा लफ्ज़े अल्लाह को यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? किधर बाजू जी बताइए। मोटा बाजू जी ठीक है। माजिदा बाजी आप पूछिए। हाँ आपने अम्मा फिर से एक बार मेरे को आयत पढ़ के सुना दो ठीक है? सेकंड वाली बाजी दो वाल दो आयतें भी और एक बार तिलावत करिए। वहाना मिन मिल दुन्ना वजक वकाना तकिया। आप जकवा कहीं को बोल रहा तस्दीद नहीं है ना जकाफ पे वजका वकाना तकिया जी। वयुंजिर अल्लजीन कालू तकदल्लाहु वलदा। सना आप पूछो और वो आप मेट दे सकते वो लाइंस को सना जी। कोशिश कर रही जब से नहीं जा रहा इरेज नहीं हो रहा। अच्छा आलिया कुमार यहाँ पर गुन्ना कहाँ कहाँ पर हो रहा बताइए। गुन्ना कहाँ पे हो रहा फिर से बोलिए। अच्छा और यहाँ पर बाजी मीम पर कहाँ पर मीम पर मीम पर और नून पर बाजी। वयू जीरो में भी गुन्ना हो रहा है। यू जीरो में भी गुन्ना का कायदा है। नहीं हो रहा मैम गुन्ना ठीक।
ठीक है मैम जी, यू दिरा और ठीक है मैम। नेक्स्ट मुमताज आप है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पढ़िए जी। अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالديه ولم يقل وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ولهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا। और एक बार पढ़ सकती हूँ मैं। जी जी पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا نسيا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا। صدق الله العلي العظيم। मीम साकिन में इख्फा कब होगा और इसमें वो कहां है बताइए। साकिन के बाद बा आए तो इख्फा होगा। इसमें कहां हो रहा है इसमें बताइए। मीम साकिन के बाद बा उमा मा लहुम में हो रहा। मा लहुम बिही दूसरे लाइन में एक बार किए फिर आप। एक बार जी पता नहीं चल रहा। मालहुम बिही इख्फा नहीं किया आप। जी ठीक है आगे आप पूछिए। जी मुमताज
इसमें इन दो आयतों में इख्फा और इजहार कहाँ कहाँ हो रहा है? दो आयतों में इख्फा। इजहार जब्बारन में हो रहा है, इजहार हो रहा वो जी। तनवीन के बाद आइन आ रहा है, आइन का है माँ जब्बारन, जीम है ना वो जब्बारन। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं तनवीन देख रही हूँ जी जी। ठीक है वो इजहार है। और पहला तनवीन के बाद बार आए इकलाब हो रहा है। ओके वेरी गुड। उसके बाद, उसके बाद याइलीन हो रहा है दई। मैंने नूने साकिन और तनवीन देखी नूने साकिन के। जी जी हाँ। उसके बाद नूने साकिन के बाद जी मारा है, यहाँ पे इफा हो रहा है जी। नेक्स्ट आयत में, नेक्स्ट आयत में नूने साकिन के बाद आइन आ रहा है, यहाँ पे इजहार हो रहा है। और यहाँ पे तनवीन के बाद ता आ रहा है, यहाँ पे इक्फा हो रहा है। उसके बाद नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है, यहाँ पे इजहार हो रहा है। उसके बाद नून साकिन के बाद या आ रहा है, यहाँ पे माल गुना ईदगाह में माल गुना हो रहा है। आप पूछो अब जी। पहली आयत में देखिए वबर्रम, रम भी वालिदैही में कौन सा कायदा है? यहाँ पे इखलाब हो रहा है। कैसे? तन्वीन के बाद बा आ रहा है, नून की आवाज को मीम से मिलाकर बदल रही। अच्छा इखलाब का मतलब क्या होता है? इखलाब का मतलब बदलना। अच्छा और यहाँ पर कायदा बताइए। लम यकुन, लम यकुन मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा या आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इजहार शफवी होगा। अच्छा मखरज बताइए मीम का। दोनों होटें, दोनों होट सूखे आपस में सूखे हिस्से, दोनों होट मिलने से सूखे हिस्से मिलने से मीम अदा होता है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछिए। पढ़िएगा आप जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. जी माजिदा तबस्सुम आप बाजी आप पूछिएगा। तंजीमा नजर नहीं आ रहे मीटिंग में। अस्सलाम
जी मैम, जबान की नोक को सामने के दो दांतों को लगने से सादा होता है मैम, सा जी। उसका ख्याल रख के पढ़े आप जी, पढ़े नहीं सॉरी की बात नहीं है ना। वो गुन्ना कहाँ हो, कहाँ हो रहा है यहाँ पे जी मैम? इस दूसरी आयत में गुन्ना कहाँ हो रहा? पहली आयत में मैम। वसलाम दूसरी आयत में या मैम बाखे उन नफ्सा। तजदीद किस पे आए तो गुन्ना होगा? नून और मेम पे आए तो गुन्ना होता मैम जी। माशाल्लाह। और किसके पढ़ने में झटका होता है? हमजा साकिना को। अब इन बातों का लिहाज रखते हुए आप फिर से एक बार तिलावत करो इस आयतों की जी मैम। सलामुन अलैहि अलैहि वुलिदा वयौमा यमूतु वयौमा وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا। जी इस आयत में आप खौफ और काफ इन तीनों का मखरज बताइए। खौफ और काफ। काफ मैम। हाँ खौफ। खा अदनी हलक से अदा होता है मैम। खा अदनी हलक से अदा होता है। काफ जबान की जड़ ऊपर के तालु नरम के हिस्से से लगने से अदा होता है। काफ मैम जुबान की जड़ से अदा होता है। जुबान की जड़ से अदा। अच्छा बिहाज़ल हदीस में कौन सा कायदा हो रहा? बिहाज़ल हदीस या मद्दा है मैम। खड़ा ज़बर हाज़ल हाज़ल इज़हार मैम नहीं खड़ा जबर अलिफ मदा है मैम यहाँ। और हुरफे मैम 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 हुरफे खमरी मैम हुरफे खमरी है मैम। कैसे बताइए जी मैम? हुरफे खमरी ये हा आया था ना मैम हुर्फे खमरी के हुर्फे खमरी में का हा अलिफ लाम हुर्फे खमरी के शुरू में अलिफ लाम नहीं पढ़ हा आया तो अलिफ लाम के लाम पढ़ेंगे अलिफ नहीं पढ़ेंगे मैम। हुर्फे खमरी का हा आया तो अलिफ लाम में लाम पढ़ा जाएगा अलिफ नहीं पढ़ेंगे मैम। जी ठीक है पूछिएगा जी।
जी उस्तादा तंजीमा साथ है, आप पूछिएगा इन्हें। दो जबर पर वक्फ करना हो तो क्या करें? एक अलिफ के बराबर पढ़ते हैं जी, एक अलिफ के बराबर पढ़ना है, दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है ना। एक मरतबा आयत पढ़िए आप। पत्कान وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. جی ہاں مینو بحاظ الحدیث اصفا. آگے پوچھیے بچہ. جی नेक्स्ट है शाहना बेगम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. अस्सलाम व रहमत. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. स्टार्ट करना मैम. जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ساکن میں اکفا کہاں ہوگا جی میم؟ تنوین ساکن میں اکفا کب ہوگا؟ تنویر نونی ساکن کے بعد تاسا جیم دال زال روز تاسا جیم دال زال زا سین شین فوزا توزا خوف خوف آئے تو اخفا ہوگا نام. اخفا گنا میں فرق بتائیے. اخفا گنا میں اخفا اور گنا میں فرق بتائیے. میم اگر اخفا کر رہے ہو تو تھوڑا سا گناہ کر کے آگے پڑھتے میم. جب تسدید نون اور میم پر آئے تو زیادہ دیر تک گناہ کرنا میم. اخفا میں فرق بتائیے. جب گنا میم سب پہ کرنا ہو تو ڈبل بار پڑھتے میم. اگر نون اور میم پر آیا تو اس کو گنا کرتے میم زیادہ دیر تک. اخوا میں جب اخوا کے جو ورس تنوین نون سکن کے بعد آیا تو اس کو تھوڑی دیر تک گنا کر کے پھر آگے کنٹینیو کرتے میم. آگے ماجی بجی پوچھ. اچھا ہاں شہانہ, یہ مریم کے بازو جو میم ہے نا چھوٹا سا, وقف کی علامت کا نام ہے یہ؟ میم وقفے جائز کی علامت یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے میم.
ठीक है सना आप पूछो। पहली आयत में इजहार कहाँ पर हो रहा है? पहली आयत मैम तबज़त में हो रहा मैम, नहीं नहीं मैम इख्फा हो रहा वहाँ पर, सॉरी मिन अहलिहा में हो रहा मैम। कैसे हो रहा? नून साकिन के बाद हमजा आया मैम हरूफ़े हलक़े में से। दोनों आयतों के आखिर में शर्कियन जो रोजन ज़ापे दो जबर है, लेकिन आप पढ़े शर्किया जो रोजा, इसका तरीका क्या है, कायदा क्या है दो जबर पर रुकने का? मैम यहाँ पे दो जबर के बाद यहाँ पर वक्फ करना है तो दो जबर को क्या करना, एक अलीफ के साथ एक जबर पढ़ना मैम, तो हरूफ मदा के वैसा होता हो जी। बात नेक्स्ट पूछिए। नाजिया तबस्सुम, आप कौन सी टीम से हैं? है हमारे साथ नाजिया तबस्सुम? शायद चले गए हैं। नीलोफर सुल्ताना। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकात। जी आपका टीम बताएं। डी मैम, टीम डी। जी पढ़ो मैम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا रोका खैदा बोलिए वैसा क्या कब पुर पढ़ेंगे कब बारीक पढ़ेंगे और यहाँ पर कितने जगह पुर पढ़ेंगे और कितने जगह बारीक पढ़ेंगे रोको बताइए। मैम फिर से एक बार पूछो, आपकी वॉइस फर्स्ट में ब्रेक हुई थी। जी आपकी वॉइस ब्रेक हुई मैम बीच में, फिर से एक बार पूछो। रॉक के कवायद बताइए, रॉक को कब पुर पढ़ेंगे कब बारीक पढ़ेंगे और यहाँ पर कितनी राशि है जिसे पुर पढ़ेंगे और कितनी राशि है जिसे बारीक पढ़ेंगे। रॉ पर जबर और पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ना और जेर हो तो बारीक पढ़ना है, और रा पर साइन आके उससे पहले जर या पेश हो तो पुर पढ़ना है मैम, और राय साकिन से पहले जेर हो तो बारीक पढ़ना है। इस आयत में बताइए। जी मैम फौरन में रा को पुर पढ़ना है, और रू रू यहाँ पे भी रा पर पेश है या को या रा को पुर पढ़ना है, और शर्म में भी आपको पूरा पढ़ना है मैम। जी आगे माजिदा जी पूछिए। जीम का मखरज बोलो मां। जीम जी जबान के बीच वाले हिस्से तालू के ऊपर हिस्से से लगाने से अदा होता है। अच्छा फिर से एक बार आयत पढ़ो मैं। जी मैम फतख فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل
لها بصر سوية. جی ٹھیک ہے. آپ پوچھ لیجیے. جی اس آیت میں حرف علیم کہاں پر ہے بتائیے. میوٹ کر لیجیے. دوسرے کون ہے؟ کون چال میم؟ جی سا کا مخرج بتائیے. سا سا مخرج بتائیے. سا کا زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو بڑے دانے سنایا اولیا کو کنارے لگانے سے. جی بس جی نیکسٹ پوچھیے. نازیہ تبسم آپ ہے ساتھ ہمارے. جی السلام. جی آپ کون سی ٹیم سے ہیں؟ ٹیم ڈی سے. پڑھیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تنوین انیس ساکن کے بعد اگر را ہو تو کون سا قیدا ہوگا؟ جی تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر را ہو تو. جی جی ادغام یرملون میں ادغام یرملون ہوگا. غنہ کے ساتھ کی بغیر غنہ ناقص کے کام. جی یہ ناقص ہوگا. آگے ماجدہ بجے پر. حرف مدہ کتنے ہیں؟ کہاں کہاں ہیں؟ جی حرف مدہ تین ہیں. الف واو یا. ان آیتوں میں کتنے ہیں؟ جی پہلی آیت میں تین ہیں میم. قاف الف زبر قا نہیں سوری قاف الف جی قاف الف زبر قا ہن نون یا زیر نی عین واو پیش او میم کھڑا زبر ما آخر میں یا الف زبر یا. دوسری آیت. جی دوسری آیت میں لام الف زبر لا ذال یا ذیر ذی تا الف زبر تا با واو پیش بو ذال کھڑا زبر ذا ہا واو پیش حو. آگے بھی میں ہاں بول دو اور ہے حرف مدہ. ہاں فا واو پیش فو ہا یا زیر ہی. ماشاءاللہ سنا آپ پوچھو. جی لفظ اللہ کا قاعدہ بتائیے. لفظ اللہ کب کب موٹا پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا اور اس آیت میں کہاں پر موٹا پڑھا گیا لفظ اللہ اور کیوں پڑھا گیا؟
जी, लफ्ज अल्लाह से पहले अगर जबर या पेश हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम पुर पढ़ेंगे, अगर जेर हो तो बारिक पढ़ेंगे। और यहाँ पर फ़इन्नवोहा लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़े हैं क्योंकि लफ्ज अल्लाह से पहले नून पर जबर है। गफूरुर रहीम में कायदा बताइए, रहीम में कौन सा मद हो रहा, रहीम में कौन सा मद हो रहा? जी मद आरिज वक्फी। कैसे मद आरिज? जी हरफ मद के बाद वक्फ हो रहा है इसलिए यहाँ पर मद आरिज वक्फी होगा। जी बेटा जी, नेक्स्ट पूछिए मैम। आप ये लो पूरन अंजुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी आप मीम ए से हैं। व अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال إنك إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قلوا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا उस्ताज़ा तंज़ीमा, आप पूछिए सवाल इनसे। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया उनको, फिर से पढ़िए आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला إنما أنا رسول ربك لا هب لك غلاما زكيا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. बाजी हाँ तंजीमा पूछी। जी पूछी। शायद में इख्फा तन्वीन नून साकिन में इख्फा कहाँ हो रहा है और मीम साकिन में इख्फा कहाँ हो रहा है बताइए। तन्वीन यहाँ गुलामम के पास हो रहा बाजी इख्फा। मीम साकिन में इख्फा कहाँ हो रहा बताइए। मीम साकिन
आवाज नहीं आ रही है। नूना बे उकुम यहाँ पर हो रहा है। नूना बे आगे माजिद का जी पूछिए। जी जी मुरक्कबात किसे कहते हैं अम्मा? नूर नूरन मुरक्कबात। मुरक्कबात किसे कहते हैं? मुरक्कबात मुरक्कबात मुफ्रदात को मिलाए तो जी मुफ्रदात को मिलाने मिलाए तो मुरक्कबात बोलते हैं जी। ठीक माशाल्लाह। और तस्दीद किन किन पे आए तो घूमना होगा? नून और मीम पे आए तस्दीद आए तो गुन्ना करना वाली। ओके माशाल्लाह। सना आप पूछो। जी इन्नामा में कौन सा मद हो रहा? इन्नामा अल्फ मद। मद्दे मुनकर कैसे? मद्दे मुन अलीफ वही वही कलमे में है, सेम कलमे में है तो मद्दे मुनफसिल होगा। हाँ बाजी सेम कलमे में है तो मद्दे मुनफसिल। अच्छा इन्नमा अना रसूल रब्बिक यहाँ तक आयत फिर एक मरतबा पढ़िए। قال انما انا رسول ربك ان انما انا رسول ربك انا پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے؟ انا یہاں پر کوئی قاعدہ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ انا जी बाजी नेक्स्ट पूछिए। उरीद आफरीन टीम ए। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبقون عنها حولا. حروف مستعليه كتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں اس میں کہاں کہاں پر ہے بتائیے؟ حروف مستعليه معنی ہیوی لیٹر وہ سات ہے وہ ہے صاد واد واد ذا غین قاف ہا اس میں قاف حروف مستعليه سے ہے اور غین حروف مستعليه سے ہے غین और नीचे वाले आयत में खा हुरफे मुस्तालिया से है गैन हुरफे मुस्तालिया से है हा हुरफे मुस्तालिया से है। जी आगे माजिदा जी पूछ। जी नीमस मत की कितनी किस्में? मद मत के दो किस्में हैं मध्य असली मध्य फराई मध्य असली यानी हुरफे मद्दा के बाद हमजा और सुकून या तजदीद ना हो। मध्य फराई
मध्य के दो किस्म है, मध्य असली मध्य फराई। मध्य असली यानी हुर्फ मद्दा के बाद हमजा या तशदीद या सुकून ना हो। हुर्फ मध्य फराई में तो अगर हुर्फ मद्दा के बाद मध्य फराई के चार है, एक पहला मध्य मुत्तसिल, अगर हुर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो हुर्फ मुत्तसिल मध्य मुत्तसिल कहते हैं। इसको तवस्सुत के साथ खींचते हैं, सुर के साथ खींचते हैं, लाइक 4 to 5, 5 to 6 काउंटिंग। और दूसरे वाला मध्य मुनफसिल है, हुर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो हुर्फ मुनफसिल कहते हैं। इसको तवस्सुत और खस्र करेंगे, लाइक 2 to 3, 3 to 4 काउंटिंग। और दूसरा मध्य लाजिम है, मध्य लाजिम में हुर्फ मद्दा के बाद अगर तशदीद हो तो तशदीद या सुकून हो तो मध्य लाजिम हो। अच्छा, मध्य आरिफ वक्ति, अगर हुर्फ मद्दा के बाद हमें सुकून फराई करेंगे तो मध्य आरिफ वक्ति होगा और मध्य लीन भी होगा। वो दो रखा, दो दो टाइप से। ठीक है सर, आप पूछो। सीन का मखरज बताइए। सीन, सीन मैम, सीन जी, सीन। अच्छा, जबान की नोक नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से को लगने से अदा होता है। सिंधी की आवाज जैसे आती है जी। नीचे की आयत में इजहार कहाँ पर हो रहा है? इजहार का डेफिनेशन आहिर करना होता है, लाइक अगर तनवीन या नूने साकिन के बाद अगर हुर्फे हल्फी आए तो इजहार करेंगे। और नीचे वाले आयत में अनहा में नून, नून पर साकिन है, उसके बाद हुर्फे हल्की है, वहां पे इजहार होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयदा सुमैया, आप कौन सी टीम से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, टीम ए से हूं बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी आप पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كذلك قال ربك هو علي حين ونجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. قال كذلك، ये जीन जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर रोक भी सकते हैं, मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। वक्त जायज की अलामत है। आगे एक मरतबा के बाद से पढ़िए। वली नजल से बाजी। जी जी, वली नजल लहू आयत लिन्नासी व रहमतन। शायद आपको नहीं दिख रहा है। वली वली नज वली नज अलहु आयत लिन्नासी व रहमतम मिन्ना। अच्छा ठीक है, उन्हें जालहु उसके बाद मध है ना, तो मध कौन सा मध हो रहा है वहां पर वो बताइए। मध्य मुनफसिल है बाजी, यहाँ पर हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो ये मध्य मुनफसिल होगा। आगे से माजिदा पूछ।
अरे सैयदा सुमैया आप फिर से एक बार तिलावत फरमाइए इस आयत की। जी बाजी। قال قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم। जी ये जीम जो आ रहा है ना उसकी अलामत में। जी बाजी इसको क्या कहेंगे किसकी अलामत को? वक्त पे जायज की अलामत है। यहाँ पर रुक भी सकते हैं मिलाकर पढ़ भी सकते हैं। जी ठीक है सना आप पूछो। जी नीचे की आयत में देखिए आखिर आयत में रहमतम मिन्ना और अम्रम मक़ज़िया ये दोनों जगह पर कौन सा फायदा हो रहा है? रहमतम मिन्ना अम्रम मक़ज़िया यहाँ पर इदगाम में यरमलून से मालगुन्ना हो रहा है रहमत मिन्ना। फिर यहाँ पर नून पर तजदीद है गुन्ना होगा मिन्ना। अच्छा हा और हा इन दोनों का मखरज बताइए। हा और हा हा, हा इब्तदाई हलक से हा दरमियानी हलक से अक्साए हलक से हा छोटी हा होता है बाजी हा। फिर यहाँ पर दरमियानी हलक से हा का मखरज निकलता है बड़ी हा। जी आप ऊपर की आयत में पढ़े ना अला हयिन व रहमतम मिन्ना इन दोनों लफ्जों को एक मरतबा पढ़िए। कौन सा तमाम दोनों को अलग अलग मिला अलग अलग पढ़ू? जी अलग अलग पढ़िए। जी फर्क समझ में आ रहा आपको? मुझे तो नहीं आ रहा दोनों जगह भी। दोनों जगह फर्क किए आप जी बाजी हो गया। नेक्स्ट जज़ाकअल्लाह बाजी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब का टेस्ट हो चुका है। इंशाल्लाह हम अभी उस्ताजा माजिदा साहिबा की आवाज में चंद नसीहतें सुनेंगे ताकि हम इस कुरान से इस एग्जाम के बाद भी जुड़े रहें। तो मैं गुजारिश करूंगी उस्ताजा माजिदा साहिबा को कि वो चंद अपने अल्फाज हमारे सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है और तहे दिल से खुशी महसूस हो रही है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी जितनी भी इल्म की बुनियाद है उससे इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमने एक ग्रुप बोल सकते इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की किताब पढ़ने के कुछ काबिल तो बनाया। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए और हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और इन तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हिदायत नसीब करे कि अपनी तमाम ज़िंदगी इन तमाम कायदों को जो हमने सीखा है हमारी नसीहतों को हमारे बातों को अपने जहन नशीन करते हुए अपने आगे की ज़िंदगी में इन इसी का लिहाज करते हुए जितना भी पढ़ा है उसको फॉलो करते हुए अपनी आखिरत को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं अब चंद बातें कहकर अपनी बात ख़त्म करूंगी क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने बड़े ही सब्र इस्तेखामत के साथ हम तमाम का साथ दिया। अल्लाह इसके बदले हमें जन्नत के आला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है
اللہ فی قرآن المجید افلح من زکاها وقد خاب من دساها. ترجمہ: کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اسے دبا دیا. معزز سامعات، آج میں تمام سے اس بات کی گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس آیت میں، ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں غور کریں. قد افلح یعنی کامیاب ہو گیا، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ کامیاب ہوتا یا نہ ہوتا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی بات کو تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو لفظ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو صاف ستھرا بنانا. اچھا، لغوی معنی دیکھا جائے تو کہیں کہ کسی شے کو صاف ستھرا بنانا، اور اصطلاح میں تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو غلط رجحانات، غلط برائیوں اور ایسے اعمال سے ہٹا کر اپنے نفس کو پاک کرنا، اللہ خدا ترسی کی راہ پر ڈال دینا، یعنی اپنے آپ کا محاسبہ کرنا. انسان اپنا دوسروں کی غلطیوں کو پہلے نظر رکھتا ہے، مگر اپنے آپ کا محاسبہ کرنے میں وہ کافی سست اور کمزور ہے. مگر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کامیابی دوسروں کے غلطیوں میں تلاش کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے آپ میں ہماری کمیوں کو دور کر کر اپنے آپ کو پاک کرنے میں ہے. تو وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو برائیوں بچایا اور نیکیوں کو اجاگر کیا، اس کی جگہ نیکیوں کو بڑھایا. یعنی عملی جد و جہد کے ذریعے سے ہم اپنے اندر ہماری کمیوں کا خیال رکھیں، جیسا کہ صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے. یعنی صحابہ اکرام جب بھی اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا نزول ہوتا تھا تو اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، غور کرتے تھے کہ کہیں یہ آیت میرے لیے ہی ہے، اس کے بارے میں مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے. بلکہ جی استاد، ہمارا جی، تو اس لحاظ سے ہمیں بھی چاہیے، اگر کوئی صحابی، الحمدللہ تمام صحابہ کا یہی نظریہ ہوتا تھا، اگر کوئی اس کو اس کی کوئی غلطی یا برائی بتائے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ وہ سچا دوست کہلاتا تھا جس نے اپنے دوست کی برائی بتائے. مگر اس کے برخلاف آج کل ہم اپنی غلطی اگر کوئی بتا دے تو اتنا ناراضگی، اتنا غصہ اور حسد ہم اندر پالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اور غلطیاں، ہمارے اور نیکیاں جل جاتی ہیں. مگر اس کا ایسا کرنا غلط ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان ذرائع کو دیکھیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے نفوس کو پاک کر سکیں، یعنی ہم اپنی آپ کو پاک کر سکیں. ان کی چند باتیں میں آپ کو بتا کر کس طرح ہم اپنے آپ کو تزکیہ کر سکتے ہیں، وہ باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی. تو سب میں پہلے ہے محاسبہ نفس، یعنی ہم اپنے نفس کا تزکیہ اس وقت کریں، دن میں ایک مرتبہ، کون سا بھی وقت لے لیجئے آپ اپنے آپ کا صبح سے شام تک کا روٹین چیک کریے کہ آج میں نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا کیا برائیاں کی ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کا جج کر سکیں گے کہ میں نے برائیاں زیادہ ہوئی ہیں یا نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں. اگر برائیاں جنم لے رہی ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اگر نیکیاں کا پڑھنا بھاری ہے تو اس کو اور اپنے آپ اندر پختگی پیدا کر سکیں گے. اپنی برائیوں کو ہم اپنے آپ سے ٹٹو لیں، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یعنی اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور نظر رکھو اپنے آپ پر کہ تم نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ جو بھی تم دن کے اجالے ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، یا خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، جو بھی کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. یہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہو گیا نا، تو ہم تقوی کی صفت ہمارے اندر
आ गई समझिए, ठीक है। पहला है दिन में एक मर्तबा तो भी हम अपने आप का मुहासिबा करें, क्योंकि हजरत उमर का है हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, यानी अपने आप का मुहासिबा करो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा मुहासिबा आ जाए, आखिरत आ जाए। जब अगर हम अपने आप का मुहासिबा करेंगे तो फायदा नहीं होगा, दुनिया में रहते हुए हम अपने मुहासिबा करेंगे तो हमारा को वो फायदा देने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज किस तरीके से हम अपने आप को टटोल सकते, इबादत, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 5 अरकान बताए हैं, उसमें से पहला ईमान की दौलत अल्हम्दुलिल्लाह, तौहीद की दौलत तो हम तमाम के पास है माशाल्लाह। इसके बाद बाकी 4 जो अरकान है, नमाज, रोजा, जकात, हज, अगर इस्तेताअत हो तो, ये 4 अरकान में हम कहाँ तक सही है, यानी हमारी इबादतें कैसी हैं, के अलावा नफली इबादतें किस तरह कर रहे हैं। और क्योंकि इबादतों से हमारी नेकियां बढ़ती हैं और गुनाह झड़ते हैं। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाता है वाकई में सलाता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, क्योंकि क्या है नमाज, क्या मामूली चीज है नहीं, बल्कि क्या कुरान में कई मर्तबा 80 से ज्यादा शायद मर्तबा नमाज का हुक्म दिया गया कि नमाज नमाज कभी मत छोड़ो। ये मेराज का तोहफा है तमाम इंसानियत के लिए, जब वो बालिग हो जाए तो नमाज फर्ज हो जाती है, उस नमाज को कायम करो, क्योंकि नमाज ही इंसान को बुराइयों और बेहयाई से बचाती है। इसके बाद जकात, हम अपना पैसा अपने अंदर, हमारे पास बड़े मालदार होने की जरूरत नहीं है, हमारे अगर जकात के काबिल हुए तो ही खर्च करना है, बल्कि नहीं है मेरी माओ बहन, पहले के सहाबा के देखिए एक अजूर भी क्यों ना हो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तड़पते थे, अपने आप को तड़पते थे कि अल्लाह की राह हम कैसे खर्च करें, क्योंकि इस खर्च को अल्लाह ताला अपने जिम्मे खर्ज समझता है, समझ रहे, इस खर्च को हमारे अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने को, जकात अदा करने को अल्लाह अपने लिए खर्ज कहता है आगे कुरान की आयतों में, उसको अल्लाह कई गुना बड़ा चढ़ाकर तुम्हें वापस करने वाला है आखिरत में। हमें अरे मैं करता तो अच्छा होता बोल के अफसोस करने के बजाय जितनी दुनिया जिंदगी मिली है उसमें हम अलग अलग अंदाज में अपनी सोच और समझ के हिसाब से अल्लाह की राह में अपनी जरूरत पूरा करने के बाद जितना भी हो सके अल्लाह की राह में खर्च करें, वो खर्च आपके लिए नेकियों का बाज बनेगा, गुनाहों से मिटने का सबब बनेगा। इसी तरह फर्ज रोजों के अलावा फिल रोजों का एहतमाम करें, इन तमाम इबादतों के जरिए से अपनी नफ्स पाक करें, अपने नफ्स के अंदर भुट्टों से पाक करें। और तीसरी चीज है मुशाहदात कायनात, यानी कायनात में अल्लाह ताला ने जो जो चीजें बनाई हैं, जैसे सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन फी खल्क़ समावाति वल अर्ज वख्तिलाफिल लैल वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, यानी अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को बस यूं ही नहीं पैदा किया, बल्कि दिन और रात के आने मुख्तलिफ पैदर पे आने में किनके लिए है, निशानियां हैं अकलमंदों के लिए। तो आप सोचिए कि हम कितने अकलमंद हैं, हम अल्लाह की तख्लीकात में से कितना गौर व फिक्र करके अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। आसमान को कभी गौर किया, जमीन को कभी गौर किया, उन दोनों के दरमियान मौजूदा चीजों को कभी हमने गौर किया, अल्लाह की मखलूक अल्लाह की तख्लीकात को हमने अगर, या वाकई ये दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो इन तमाम चीजों को बना सकती है। मामूली पत्तों को गौर करिए, हर पत्ते की अलग अलग बनावट है, हर पत्ते का अलग अलग शेप है, फलों को देखिए, हर चीज जो भी है अल्लाह की पैदा की हुई चीजें, उन तमाम को मुशाहिदा करने से आपका ईमान और पुख्ता होगा और आपके अंदर अपने आप को नेकियां करने की तरफ उभार सकेंगे। इसके बाद और एक चीज है एहसास जवाबदही, अपने नफ्स को पाक करने का एक जरिया ये भी है हमारे अंदर एहसास जवाबदही का होना जरूरी है, क्योंकि हजरत उमर सल्लल्लाहु उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं काश मैं एक तिनका हो या होता या कुछ भी ना होता, क्यों और खुदा मुझे पैदा ही
ना किया होता। क्यों? उनके अंदर उतना डर और खौफ था कि मैं अपने जो जिंदगी गुजार रहा हूं इसका एक एक पल का हिसाब मुझे देना है। ये एहसास हमारे अंदर हो तो हमें महसूस होगा कि मैं कुछ ना होता, ताकि मेरे से ना हिसाब लिया जाता। मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिविटी में इस बात को सोचे, बल्कि अपने आप को इस काबिल बनाए कि हम जहां जहां हम अपने पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारा वक्त खर्च कर रहे हैं, हमारा सलाहियत खर्च कर रहे हैं, क्या वो सही जगह है या गलत जगह है। इस बात का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपने आप को किस राह पर ले चल रहे हैं। अगर हम सही राह पर है तो आपके लिए मुबारकबाद है, नहीं आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वापस आ जाइए। अल्लाह ताला का हुक्म गौर और फिक्र करिए कि मुझे आज ये गलती कर लो रहा मैं, मेरे को फौरन इसकी सजा नहीं मिल रही, मगर आखिरत में मुझको उसके बारे में पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये एहसास जवाबदेही आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप इंशाल्लाह अपने आप को पाक कर सकेंगे गुनाहों से। इसके बाद नेक सोहबत, समझ रहे मेरी बात, नेक सोहबत भी होना जरूरी है। हम नेक हैं मगर हमारा साथी अगर बुरा है तो अंदेशा है कि हमारे अंदर भी वो बुराइयां पैदा हो जाएंगी। उसको देखते देखते हमारे अंदर भी बुराइयां पैदा होने का अंदेशा होगा, इसलिए हमें अपने आप सोहबत को भी ख्याल रखना है कि हमारे उठना बैठना, हमारा मिलना जुलना किन लोगों के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से मत मिलो, बल्कि आप अपनी सोहबत में किन किन लोगों को दाखिल कर रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए एक दूसरे से जुदा हो। अगर आप अपने इसके बाद मैं कह रही थी नेक सोहबत का सुन लिए थे ना? जी हाँ जी। इसके बाद एक अहम हमारे अंदर एक सिफत ये होनी चाहिए कि जबान की हिफाजत। अगर ये जबान की हिफाजत हम ना करेंगे तो जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में हमारी कसरत होगी, क्योंकि हम मशहूर हैं, हम औरतें मशहूर हैं लान तान करने के बारे में, गीबत करने के बारे में, झूठ बोलने के बारे में। ये तमाम गुनाह हम किससे कर रहे हैं? जबान से कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए मेरी माँ और बहनों कि हमें अपनी जबान को लगाम देना है, बोलने से पहले सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं जिससे सामने वाले को तकलीफ पहुंच रही है या खुशी हो रही। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने बेवजह किसी का भी दिल दुखाने से मना किया, किसी को भी लानतान करने से, नाशुक्री करने से मना किया है। तो इस सिफात को, जैसा कि साबित हो चुकी है इन वजह से हम जहन्नम में जाने वाले हैं, तो अपने आप को गौर और फिक्र करिए कि हम जो बोलें वो पहले तोल लें कि हम जो बोल रहे हैं क्या वो सही है या गलत। चाहे हमारे बड़ों से हो या छोटों से हो या हमारे शौहरों से हो या भाइयों से हो, किसी भी मामले में क्यों ना हो, अपनी जबान की हिफाजत हमें बहुत जरूरी है, वरना हम इसी जबान के जरिए से जहन्नम में कसरत से देखी गई हैं। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए इंशाल्लाह। इसके बाद आखिरी एक चीज बताकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि बुराई को आगाज से ही दबा देना। यानी हम तो इंसान हैं, बेशक हम कमजोर है, हमारे अंदर बुराइयों को देखकर उसको शैतान इतना चालाक है कि बुराइयों को अच्छाई की शक्ल में हमारे सामने पेश करता है। तो हम भी अल्लाह की मदद को हासिल करने के लिए उस शैतानी हरबों को शुरू से ही दबा दे, यानी वो बुराई को हमारे अंदर पुख्ता होने ना दे, बल्कि बुराई के आगाज में ही उसको दबा देने से वो बुराई हमारे अंदर नहीं जमेगी। तो इसलिए अपने जैसा कि मिसाल के तौर पे जब बीज, अगर खराब बीज रहेगा तो वो आगे चलकर खराब दरख्त बनेगा, तो उसे बीज को ही अगर हम निकाल के फेंक देंगे तो वो आगे उसका कोई फ्यूचर ना होगा।
इसी तरह हम अपने अंदर अगर कोई बुराई आ गई है तो इससे तौबा कर लीजिए, फौरी अल्लाह से माफी मांगिए और अपने आप को उस बुराई से पाक करने की पूरी कोशिश करिए इंशाल्लाह। अल्लाह इन तमाम जराए के जरिए, क्योंकि तस्किया एक बातनी कुव्वत है, जो शख्स खैर भलाई या नेकी का काम करना चाहता है इसे सबसे पहले अपने जिस कुव्वत की जरूरत होती है वो तस्किया है, क्योंकि हमें बहुत नबियों वाला काम करना है ना बहनों, नेकी का हुक्म देना है, बुराइयों से रोकना है। मगर वो पहले क्या बोल रहे, अपने आप को देखो, अगर तुम्हारे अंदर वो नेकियों से मोहब्बत और बुराइयों से नफरत है तो तुम्हारी बात आगे वाले पे असर करेगी। इसलिए सब में पहले हमें इस राह में जुड़ गए हैं तो आगे हमें बहुत काम करना है इंशाल्लाह। तो अपने आप को हम पाक कर लेंगे, जिसका मुबारक महीना अब हमारे साथ हमने आ रहा है तो उसमें हमें अच्छी सी ट्रेनिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। उस तरीके से इन बातों को हम ख्याल करते हुए अपने आप को, अपने नफ्स का मुहासिबा करेंगे, अपने नफ्स को बुराइयों से पाक करेंगे, नेकियों में मुलव्विस करेंगे और अपने आप को बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक देंगे इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम की गलतियों को, खताओं को माफ करे, हमने जो भी पढ़ा है पढ़ाया है उसमें जो भी गलती हुई है उसे माफ करे और हमें हमारे ईमान को रोज बरोज बढ़ाने वाला बनाए और बुराइयों से बचाते हुए अपने नफ्स का तस्किया करने वाला बनाए। अल्लाह बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक दे मुझे इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह। हम तमाम की अल्लाह जायज दुआओं को कबूल फरमाए और आमीन। तो हम सब की ये जो कोशिशें थी अल्लाह के कलाम को सीखने सिखाने की आज मुकम्मल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है आज के आपके रिजल्ट्स। इसमें बस यही बताया जा रहा है कि किसे कितना सीखना है, तो ये रिजल्ट्स में ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई आगे या कोई पीछे, पर ये सब इसीलिए है ताकि आपको ये जानने आप जान सकें कि आपको कितनी मेहनत करनी है। जी जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बेहद खुश हैं और आप सबके बेहद शुक्रगुजार हैं, सारे टीचर्स के, सारे स्टूडेंट्स के और सारे एडमिन्स के जिन्होंने भी हमारा इस काम में साथ दिया है, उन सब के। खुसूसी हमारे टीचर्स का हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार करेंगे कि उन्होंने यानी इतनी दिलचस्पी के साथ बिना कुछ मफाद के बहुत ही अच्छे तरीके से अपना इल्म हम तक पहुंचाया है अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। और साथ ही हमारे एडमिन इंचार्ज तमकनत आफरीन, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने बड़े ही इस्तेकामत के साथ हमारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स किए हैं, हमारा साथ दिया है। और वैसे ही मैं इन बेमिसाल स्टूडेंट्स के लिए यानी मैं बहुत बहुत ही खुश हूँ कि सारे स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े हुए हैं और अभी तक हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। चलिए बस आज हम हमारा सफर खत्म करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बाजी सबके रिजल्ट नहीं बताए ना? आपका भी बेहद शुक्रिया, सबसे ज्यादा मेहनत आपकी है और सारे एडमिन टीचर्स के साथ सबसे ज्यादा मेहनत आपकी है, हर तरह का शुक्रिया हमें यहाँ पर लीजिए फिर से जी। बहुत कुछ सीख चुके हम आप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं आप सब हमारे साथ साथ, आप सब भी हमारे अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं जिसने अल्लाह ने आपको पसंद किया इंशाल्लाह। जरा कमजोरी बने हम नहीं, बराबर अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला आपकी कोशिश देख रहा है, ये मार्क्स मत देखिए, अल्लाह आपकी कोशिश देख रहा है, उसका बदला आपको देगा इंशाल्लाह। जी जी, दुआ कीजिए।
तो कुछ अलग मैम वो है, एक खुशी महसूस होने के लिए जरी देर की, मगर आपने हाँ। जो इल्म सिखाना वो बहुत बड़ी बात है, जो काबिल तारीफ है, आपके लिए सदके जारिया बनेगा वो इंशाल्लाह। जी अल्लाह आपको सेहत और आफियत दे इंशाल्लाह। तो अब मीटिंग एंड करना है आलिया? जी हाँ जी हाँ। चलिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया सबको। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।